हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, ये स्टेट लेवल पर निकली हुई है या सेंट्रल लेवल पर निकली हुई है। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो यहां पर 13 नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है, जो कि फार्मासिस्ट की पोस्ट रहने वाली है। डिपार्टमेंट की बात कर लें तो जिला स्वास्थ्य समिति में ये वैकेंसी रहने वाली है। आगे इसकी और डिटेल हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 12 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर ये रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर दी गई है, जिस तरीके से आपको यहाँ पर ये 13 पोस्ट बताई है और यहाँ 12 है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली हुई है। यहाँ एक ही डिपार्टमेंट में ये जो पोस्ट निकली हुई है ये 12 निकली हुई है, अलग अलग कैटेगरीज वाइज यहाँ डिवाइड कर दिया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लें, 10+2 आपके पास में होना चाहिए, उसके बाद में डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए आप उड़ीसा फार्मेसी काउंसिल में। अगर आगे एज लिमिट की बात कर लें, या मेंशन किया हुआ है मिनिमम 21 साल तक और मैक्सिमम 32 साल तक के कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराया जाता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है और एससी एसटी के लिए यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है एज में, वो 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहने वाला है। मोड ऑफ सेलेक्शन की बात कर लें, किस तरीके से सिलेक्शन रहेगा, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू रिटेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो रिटेन एग्जामिनेशन के थ्रू ये आपको अपॉइंट करेंगे, जो कि एक तरीके का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये कर रहे हैं। और एक जो पोस्ट है, जैसे 12 वहाँ पर हो गई थी, एक जो पोस्ट है वो यहाँ पर रहने वाली है फार्मासिस्ट कम लॉजिस्टिक असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है। इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है आपके पास में 10+2 होना चाहिए, उसके बाद में 10+2 के बाद में डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, मींस के एज ए केमिस्ट एज ए फार्मासिस्ट एक्सपीरियंस 1 ईयर होना चाहिए, और आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए उड़ीसा फार्मेसी काउंसिल में। और उसके बाद में एज लिमिट की बात कर लें तो मिनिमम एज लिमिट 21 साल, मैक्सिमम यहाँ पर 40 ईयर यहाँ पर एज लिमिट दे रखी है इन्होंने। और इसके रूल्स रेगुलेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया है। इसके रूल्स रेगुलेशन देखो, आपको यहाँ से ये आराम से इजीली किस तरीके से मेरिट लिस्ट लगने वाला है, किस तरीके से इसका रिजल्ट रहेगा, किस तरीके से इसके जनरल इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, वो यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। या तो आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लीजिएगा, या फिर इस पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके इस पेज को ओपन कर लोगे। इस पेज को ओपन करने के बाद में इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम बता देते हैं, किस तरीके से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। तो जब तुम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद लिंक पर क्लिक करके इस पेज को ओपन कर लोगे, तो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आओगे। नीचे की तरफ आते हुए आपको लिखा दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म एंड मोर इन्फॉर्मेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। उसी एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे तो उसको प्रिंट आउट निकालना है और उसको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में आपके एजुकेशन से रिलीवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको अटेस्ट करने हैं, जैसे 10th 12th डिप्लोमा इन फार्मेसी की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और देन आपका आधार कार्ड पैन कार्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप जिस भी स्टेट में हो, उड़ीसा फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट वो सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट की आपको जीरोक्स करानी है। एक्सपीरियंस लेटर अगर है तो आपके पास में एक्सपीरियंस लेटर, तो एक्सपीरियंस लेटर और ये सारे डॉक्यूमेंट की जीरोक्स कराने के बाद सेल्फ अटेस्ट करनी है और उसी फॉर्म के साथ में जो आपने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फिल किया है उसी फॉर्म के साथ में स्टेपलर कर देना है। और स्टेपलर करने के बाद में आपको क्या करना होगा, स्टेपलर कर देना, आपको एक एनवलप परचेज करना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक एनवलप में वो क्लोज करने हैं डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म। क्लोज करने के बाद में दिए हुए एड्रेस पर आपको सेंड कर देने हैं, देन की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके मेल पर या फिर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ बता रहा है कंप्लीट फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट, जो कि हमने बताया एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो एक एनवलप में क्लोज करके आपको कहाँ सेंड करने हैं, रीच द ऑफिस ऑफ
चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, ये प्रॉपर तरीके से इसका पिन नंबर भी दिया है, पिन कोड भी दिया हुआ है यहाँ पर, आपको ये सेंड करना है। कब से पहले करना है? 27/12 मतलब 27 दिसंबर से पहले आपको ये सेंड कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।